Today we are going to continue the next part of our lesson number 3, effects of British rule. The next point is consequences of new land revenue system. Means जो यहाँ पर न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशों ने शुरू की थी उसके परिणाम क्या हुए. कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स परिणाम, इफेक्ट. देयर वेयर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूलर लाइफ. जो रूलर लाइफ थी उनके ऊपर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, यानी कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो सोच नहीं सकते हैं, ऐसे इफेक्ट जो रूलर लाइफ थी उनके ऊपर दिखाई देने लगे. फॉर्म पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंडियन फार्मर्स स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप्स एट वॉट एवर प्राइस इट रिसीव. और जो फार्मर्स थे उन्हें जब टैक्स करने का टाइम आता था, क्योंकि अब उन्हें क्या है कि टैक्स में यहाँ पर उन्हें छूट नहीं मिलती थी, टैक्स जो है उन्हें पैसे के स्वरूप में देना पड़ता था, और इसीलिए यहाँ पर जब टैक्स भरने की बारी आती थी और अगर पैसे नहीं है तो उस टाइम पे जो फार्मर्स है किसी भी रेट पर अपने क्रॉप्स को बेचने के लिए तैयार थे. द मर्चेंट्स एंड ब्रोकर्स स्टार्टेड परचेसिंग देयर गुड्स एट मिनिमम रेट. और इसका फ़ायदा उठाते हुए जो मर्चेंट्स या जो ब्रोकर्स थे उन्होंने बहुत कम कीमत पर उनकी जो गुड्स है, मीन्स उनके जो क्रॉप्स है, वो खरीदना शुरू किया. At certain times the farmers had to mortgage his land to the money lender for arrangement of money to pay the tax. बहुत टाइम पर ऐसा होता था, बहुत बार ऐसा होता था कि अगर यहाँ पर फार्मर के पास में टैक्स पे करने के लिए पैसे ना हो तो उस वक्त उन्हें अपने टैक्स को भरने के लिए मनी लेंडर जो है, साहूकार जो है, उनके पास में अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी. फार्मर बिकेम बैंकक्रप्ट. और इसकी वजह से फार्मर्स जो है उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी. इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन द फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड. और अगर कभी कभी फार्मर जो लोन लिया है साहूकार से, मनी लेंडर से, जो उसने कर्जा लिया था टैक्स पे करने के लिए, अगर उसे वो टाइम पे वापस नहीं कर पाया तो बहुत बार उन्हें अपनी ज़मीन भी यहाँ पर बेचनी पड़ती थी. द फार्मर वॉज एक्सप्लॉयटेड बाय द गवर्नमेंट, ज़मींदार, मनी लेंडर एंड मर्चेंट. और इस तरीके से जो फार्मर्स है इस नई तरीके की लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से, ज़मींदार्स की तरफ से, मनी लेंडर्स जो है और मर्चेंट की तरफ से, हर तरफ से उनका शोषण, एक्सप्लोटेशन हो रहा था. नेक्स्ट पॉइंट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. इनिशियली फूड ग्रेन्स वेयर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स इट यूज अ फुलफिल टू फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड्स एज वेल एज द नीड्स ऑफ द विलेज. जनरली जो कल्टीवेशन किया जाता था फूड ग्रेन्स का, फार्मर्स जो कल्टीवेशन करते थे उसकी वजह से उनके पूरे साल भर की जो नीड्स होती है, डोमेस्टिक नीड्स यानी खाने की जो उनके घर की ज़रूरतें होती है वो पूरी होती थी. और उसके साथ साथ कुछ लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है या जो दूसरा काम करते हैं विलेज में रहने वाले, उनकी भी ज़रूरतें इस तरीके से पूरी होती थी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर एनकरेजमेंट टू कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टी एक्सेट्रा. लेकिन जैसे ही ब्रिटिशों ने अपना रूल शुरू किया तब उन्होंने जो ज़्यादा हमें पैसे दे सकते हैं, मीन्स जो कैश क्रॉप्स है, ऐसे कैश क्रॉप्स का कल्टिवेशन करने के लिए उन्होंने फार्मर्स के ऊपर दबाव डालना शुरू किया. और इस ये जो प्रोसेस थी उसमें उन्होंने ज़्यादा करके कॉटन, इंडिगो, टोबैको और टी, इस तरीके के कैश क्रॉप का कल्टीवेशन करने के लिए उन्होंने फार्मर्स को इनकरेज किया. द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टीवेशन ऑफ प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स इज नोन एज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. और इस तरीके से जो प्रोसेस थी ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टीवेशन ऑफ प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप्स, जो प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप्स थे उनके कल्टीवेशन के ऊपर जो यहाँ पर
स्ट्रेस डाला गया था फार्मर्स के ऊपर, जबकि वो यहाँ पर फूड ग्रेन्स का कल्टीवेशन करना चाहते थे। ये जो चेंज किया गया था, ये जो प्रोसेस थी, उसे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फेमाइन। फ्रॉम 1860 टू 1900 इंडिया फेस ग्रेट फेमाइन, बट द ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट टेक मच एफर्ट्स टू ओवरकम। 1860 से लेके 1900 तक इंडिया में बहुत सारे नैसर्गिक आपत्ति फेमाइन आए हुए थे, और फिर भी ब्रिटिशों ने इससे लोगों को बाहर निकालने के लिए, इसे ओवरकम करने के लिए कोई भी खास ऐसे कदम नहीं उठाए। सिमिलरली नॉट मच एक्सपेंडिचर वॉज मेड ऑन प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के प्रोविजन पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ एक्सपेंडिचर नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। फॉर इंक्रीज इन ट्रेड एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश डेवलप मॉडर्न फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। ब्रिटिशों ने अपना ट्रेड में कन्वीनियंस होने के लिए, ट्रेड जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस होने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वीनियंस होने के लिए और ट्रेडिंग को इजी जाने के लिए, अपनी ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ फैसिलिटीज़, मॉडर्न फैसिलिटीज़ इंडिया में डेवलप किए। जैसे कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज स्टार्ट की, उसके बाद में कम्युनिकेशन इंडिया के साथ बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम उन्होंने स्टार्ट की। इन 1853 फर्स्ट रेलवे रैन ऑन द रूट ऑफ मुंबई टू ठाणे। 1853 में मुंबई से लेकर ठाणे तक के रेलवे रूट पर सबसे पहली रेल उन्होंने स्टार्ट की। इन द सेम ईयर ब्रिटिश स्टार्टेड टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया, और उसी साल में मीन्स 1853 में उन्होंने इंडिया में टेलीग्राफ सिस्टम भी स्टार्ट किए। ड्यू टू इट ऑल सिटीज एंड मिलिट्री स्टेशंस गॉट कनेक्टेड टू वन अनादर। ये जो सिस्टम्स उन्होंने स्टार्ट की थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके बाद में कम्युनिकेशन सिस्टम जो उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट की थी, जिसके वजह से बहुत सारे सिटी जो है, सभी सिटीज़ और मिलिट्री स्टेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हुए। सिमिलरली द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम। उसी तरीके से ब्रिटिशों ने पोस्टल सिस्टम भी इंडिया में स्टार्ट की। ड्यू टू ऑल दिस डेवलपमेंट्स देयर वॉज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ द इंडियंस। ये जो नई डेवलपमेंट, ये जो नई सिस्टम्स यहाँ पर ब्रिटिशों ने शुरू की थी, उसकी वजह से इंडियंस के सोशल लाइफ पे एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, प्रभाव बना रहा। ड्यू टू दिस देयर वॉज इंक्रीजिंग सेंस ऑफ यूनिटी अमंग देम। और इसकी वजह से, इस प्रोसेस की वजह से इंडियंस के बीच में यूनिटी का सेंस जो है, यूनिटी और भी बढ़ने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेंड ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उन्होंने इंडिया से इंग्लैंड में जो माल एक्सपोर्ट किया जाता था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत हेवी ऐसे टैक्सेस लगाना शुरू किया। ऑन द अदर हैंड वेरी लेस टैक्स वॉज इम्पोज ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। और दूसरी तरफ जो माल इंग्लैंड से इंडिया में आता था, उस माल के ऊपर उन्होंने बहुत कम टैक्सेस लगाए थे। ऑल्सो द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वेयर मशीन मेड एंड हेंस देयर वॉज मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। और जो माल यहाँ पर, जो गुड्स जो इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर्ड होते थे, जो तैयार होते थे, वो मशीन से बनाए गए थे, और इसीलिए उसके ऊपर जो खर्च किया जाता था वो बहुत कम था। टू कम्पीट विथ सच चीप प्रोडक्ट्स वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द इंडियन आर्टिसंस। इस तरीके से बहुत कम कीमत पर बनाए जाने वाले प्रोडक्शन से कॉम्पिटिशन करना, इतने कम रेट में ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट करना इंडियन आर्टिसंस के लिए डिफ़िकल्ट बन चुका था। इवेंचुअली इट लेड टू क्लोजिंग डाउन अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड मेनी आर्टिसंस बिकेम अनएम्प्लॉयड।
और इसका नतीजा ऐसा हुआ कि ये जो इंग्लैंड का माल इंडिया में आ रहा था, कम दाम पर उसे लाया जा रहा था, इंडियन आर्टिसंस पॉसिबल उनको पॉसिबल नहीं था इतने कम दाम में अच्छी चीज़ों का प्रोडक्ट करना। इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो बंद हो गई और बहुत सारे जो आर्टिसंस है वो बेरोजगार बन गए। एंड वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।